नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज जो वैकेंसी अपडेट आई है वह आई है आपकी होम गार्ड की तरफ से। होम गार्ड की तरफ से जो है वैकेंसी अपडेट आ चुकी है दोस्तों। ये जो है आपको राजस्थान के जयपुर से देखने को मिलेगी। आप जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है क्वालिफिकेशन आपका बहुत ही मिनिमम मांगा है, आपको जो है ओनली 8वीं पास होना है। 8वीं पास के बाद जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों पूरे नोटिफिकेशन के बारे में कि इसमें जो है कितनी सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, कितनी फ़ीस रखी गई है और आपका जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं होम गार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वैकेंसी अपडेट है जो कि आ चुकी है। राजस्थान होम गार्ड में जो है आपको वैकेंसी अपडेट देखने को मिलेगी। हम बात करें अगर इसके जो है ब्रीफ़ इंफॉर्मेशन की, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि होम गार्ड डिपार्टमेंट राजस्थान की तरफ से जो है वैकेंसी अपडेट आ चुकी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीटें जो है वो आपको देखने को मिलेगी 2500 सीटें। 2500 सीटों पर जो है वैकेंसी अपडेट है और ये जो है 5 तारीख को जो है ये आपका इन्फॉर्मेशन आ चुका था। इसका वीडियो जो है थोड़ा सा लेट आया है। आप जो है अभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपका जो है सिलेक्शन कैसा होगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके बेस पर जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें दोस्तों बहुत ही ईजी है, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें जो है आपको ओनली 8वीं पास मांगा है। 8वीं पास है अगर आप, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन भी इजी आएंगे, जिससे कि आप जो है आप इजीली से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन, इसके अलावा डिप्लोमा आपने कुछ भी करके रखा है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आपका जो है जनरल वालों के लिए और जो आपका जो है ओबीसी वालों के लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा जो है आपका ST SC EWS के लिए 175 रुपये फ़ीस रखी गई है। फ़ीस जो देना है आपको वो ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है देना है। फ़ीस का पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना है। दोस्तों, अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेट की, तो 7/4/2020 अप्रैल से जो है आपका फॉर्म अप्लाई चालू होगा। इसके बाद जो है 6 मई 2020 तक जो है लास्ट डेट रखी गई है। 6 मई तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सीटें की, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2500 सीटें हैं टोटल। विभाग जो रहेगा आपका वो रहेगा होम गार्ड राजस्थान जयपुर की तरफ से। अगर हम बात करें कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा है, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 8वीं पास होना चाहिए आप। और इसके अलावा जो आपकी एज होगी वो 18 से 35 वर्ष की एज में जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो एज में छूट मिलती है वो भी आपको मिलने वाली है, जिसके माध्यम से जो है आप ज़्यादा एज तक भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो आपको राजस्थान की तरफ से देखने को मिल सकती है। राजस्थान की तरफ से जो है आपको वैकेंसी है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं भी रहते हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट जो आपको जॉब मिलेगी वो मिलेगी राजस्थान में। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिएगा तो वहाँ पर जो है आपको लिंक मिल जाएगा। आवेदन शुरू करने की जो तारीख है वो 7 अप्रैल 2020 है। 7 अप्रैल आने में अभी टाइम है, पूरा 1 महीना है दोस्तों। इसमें जो है आप ऑनलाइन आवेदन ज़रूर कीजिएगा, इसको जो है आपको भूलना नहीं है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 मई 2020 है। और जो आपका एग्ज़ाम फीस लगेगी, जैसा कि हमने बताया पहले ही कि आपका जो है ओबीसी वालों के लिए और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 200 रुपये, ST SC वालों के लिए जो है आपका 175 रुपये फ़ीस लगेगी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो आपको राजस्थान होमगार्ड की तरफ से देखने को मिल सकती है। ये जो फॉर्म है ओनली ऑनलाइन है, आपको जो है ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई नहीं करना है दोस्तों, ऑनलाइन के माध्यम से ही करना है। तो आप याद रखिएगा कि आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्ट जो है आप लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर।